वेलकम टू स्टूडेंट डिक्टेशन। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। छोटे राज्यों के पास ज्ञान पूंजी का अभाव हो सकता है, इससे वैज्ञानिक विकास भी अधिक न होने की संभावना है। ऐसी दशा उसे दूसरों से सहयोग लेना पड़ेगा। प्रायः बड़ी परियोजनाओं को लागू करने में उसके सामने असमर्थता आ सकती है। ऐसी दशा में बहुराष्ट्रीय कंपनियों, जिनका मुख्य लक्ष्य अधिकाधिक लाभ प्राप्त करना होता है, वे इन राज्यों का अत्यधिक शोषण कर सकती हैं और वे राज्य के विकास को पीछे की तरफ मोड़ सकती हैं। एक बड़े राज्य को छोटे राज्यों में बांटने पर भी कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इनमें उनका राजस्व अनुपात एवं स्वयं केंद्र से मिले ऋण का बंटवारा प्रमुख समस्या बन सकता है। आय के स्रोतों का असमान होने पर यह समस्या और भी जटिल हो सकती है। भारत विविधताओं का देश है, इन्हीं में उसकी समस्याएं भी विविध प्रकार की हैं और यह भी ज्ञातव्य है कि समस्याओं का हल भी हो सकता है, लेकिन समस्याओं का एकमात्र निराकरण का आधार छोटे राज्यों में ही नहीं है। यह सही है कि छोटे राज्य विकास में अधिक सहायक होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनके साथ कई प्रकार की समस्याएं भी खड़ी हो जाती हैं, जिनका निराकरण स्वयं में फिर एक समस्या है। अतः जहां तक संभव हो सके समस्याओं को निपटाने का प्रयास किया जाना चाहिए। इसमें केंद्र की भूमिका होगी कि वह राजनीतिक स्वार्थों को दरकिनार करते हुए आगे आए। वर्तमान भारत में वे क्षेत्र जहां छोटे राज्यों की मांग मुखरित हो रही है, लगभग सभी जगहों की अपनी समस्याएं हैं, जिनमें केंद्र आगे आकर इन समस्याओं के निराकरण में सहायता कर सकता है। विशेष सहायता पैकेज, सामाजिक जागरूकता अभियान, विदेशी संबंधों में सुधार, प्रशासनिक विकेंद्रीकरण आदि ऐसी अनेक कार्य योजनाएं हो सकती हैं जो समस्याओं के समाधान में सहायक हो सकती हैं। भारत अभी विकासशील देश है, यहाँ आर्थिक विषमता बड़े पैमाने पर है। मूलतः यही नए राज्यों की मांग का मुख्य मुद्दा बन रहे हैं, लेकिन यह ज्ञातत्य है कि राज्यों को तोड़ मात्र देने से ये समस्याएं हल नहीं हो सकती, वरन ये आवश्यक है कि उन क्षेत्रों के लिए विशेष विकास योजनाएं चलाती जाएं, उन्हें भी विकास का पूरा अवसर उपलब्ध कराया जाए, वहां पर उपलब्ध संसाधनों का या उसके मूल्य का अधिकतम भाग उसके उस क्षेत्र के विकास के लिए उपयोग किया जाए। विभिन्न राज्यों के बीच आपसी सहयोग एवं तालमेल के लिए प्रयास किए जाएं। जातीय हिंसा या अन्य इस प्रकार की समस्याओं से निपटने के लिए जन जागरूकता अभियान चलाने के साथ साथ प्रशासन को भी मजबूत किया जाए। विदेशों से मधुर संबंध भी इस दिशा में एक अहम कदम हो सकता है।
प्रायः ऐसी गुप्त सूचना मिलती है कि विदेशी मूलतः पड़ोसी देश राज्य भी विखंडन की आग को हवा देते हैं। निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि राज्य का विभाजन करना ही एकमात्र ऐसा उपकरण नहीं है जो समस्याओं का निदान कर सके। अन्य उपायों पर पहले पूरी तरह कोशिश कर ली जानी चाहिए। इसके बाद भी यदि समस्या का निराकरण नहीं हो पाता तो अन्य बातों पर विचार करते हुए विभाजन को स्वीकृति दे देना उचित होगा। क्योंकि जब वहां विकास के अवसर होंगे तभी वहां विकास होगा, तभी लोगों में सुख शांति स्थापित होगी और यही भारत को विकसित बनाने के लिए आवश्यक होगा। स्टॉप। अगर आपको डिक्टेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये सीरीज डेली आपको एक एक वीडियो इसमें मिलती रहेगी।